ये लोकतंत्र परिवारशाही के लिए है क्या? आप मुझे बताइए, आपको परिवारशाही से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये परिवारवाद से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हरियाणा को परिवारशाही से मुक्ति दिलानी है कि नहीं दिलानी? नहीं, ये लोकतंत्र है क्या? ये क्या जनता की सरकार है क्या? क्या राजाशाही चल रही है क्या? ये परिवारशाही नहीं है तो क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि कई बार पीएम ने खुद का उदाहरण देते हुए भी यही बात कही। क्या आपका भाई बड़ा नहीं बन सकता क्या? क्या आपकी बेटी बड़ी नहीं बन सकती क्या? क्या आपकी बहन बड़ी बन नहीं सकती क्या? और जनता से पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देखिए, एक चाय वाले को भी उठा ला करके यहाँ बिठा दिया। सुना आपने पीएम ने क्या कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के आला नेता ही मोदी की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको बताते हैं कि बीजेपी पर परिवारवाद के ये आरोप क्यों लग रहे हैं। बीजेपी में परिवारवाद कैसे? कोलायत से देवी सिंह भाटी की बहू पूनम कंवर बीजेपी की उम्मीदवार। जोधपुर शहर से कैलाश भंसाली के भतीजे अतुल भंसाली बीजेपी के उम्मीदवार। सादुल शहर से गुरजट सिंह के पोते गुरबीर सिंह पहाड़ बीजेपी के उम्मीदवार। डी कुमेर से दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह भी बीजेपी के प्रत्याशी। नसीराबाद से सांवर लाल जाट के बेटे राम स्वरूप लांबा बीजेपी के उम्मीदवार। सपोटरा से किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी बीजेपी की प्रत्याशी। शाहपुरा सीट से सुंदरलाल के बेटे कैलाश चंद्र मेघनाथ भी बीजेपी के उम्मीदवार। प्रतापगढ़ से नंदलाल मीणा के बेटे हेमंत मीणा को भी बीजेपी का टिकट मिला। मंडावर से धर्मपाल चौधरी के बेटे मंजीत चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार। बामनबाद से कुंजीलाल मीणा के बेटे राजेंद्र मीणा को भी बीजेपी का टिकट। सादुलपुर से कमला कांसवा की जगह उनके पति राम सिंह कांसवा को टिकट मिला। परिवारवाद को लेकर अब तक बीजेपी सबसे ज्यादा कांग्रेस पर ही हमला करती रही है, लेकिन पार्टी के नेता आरोप लगाने से पहले ये देखने की जहमत नहीं उठाते कि उनके अपने घर में क्या हो रहा है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से ही परिवारवाद कहाँ है ये साफ पता चलता है। चुनाव जीतने के चक्कर में बीजेपी ने कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया है जिन्हें राजनीति का कोई खास अनुभव तक नहीं है। वैसे कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो कि 80 के पार हैं। जैसे भी हो, बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने का हर दांव खेल रही है। जिन उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट मिल गया वो तो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला वो चुनावी लिहाज से पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं।